ये देखिए हमारे पकौड़े हो रहे हैं फ्राई, ठीक है। अब जैसे ये फ्राई होते हैं फिर आपको इस डिश आउट करके तो दिखाती हूँ, फिर सब बाकी अभी हमारा रह जाएगा क्या था हमारा चिकन पॉपकॉर्न जो है वो रह जाएंगे, फिर हमारी जो है ना अफ्तारी माशाल्लाह से पूरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग सुपर मॉम ट्राइब में। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। यहाँ पे मेरी आयरा जी बहुत हैप्पी है, उसका अभी प्ले करने का मूड है, उसकी मॉर्निंग हो गई है और माशाल्लाह से मेरी आयरा की मॉर्निंग हमेशा से हैप्पी हैप्पी वाली रही है। चलें जी आज हम लोगों ने क्या करना है जी अफ्तारी में, आज जो नॉर्मल एक वो बनता है तो मैंने सोचा कि आज अफ्तारी बनाते हुए मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर दूं जो जो बना रही हूं। तो चलें जी अपनी जो है ना अफ्तारी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी जी आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न, जिसके लिए मैंने जो है ना ये बोनलेस चिकन लिया, इसको क्यूब्स में कट करवा लिया। हाँ जी जी अब हम इसको करेंगे बाउल में ऐड, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 7 कैप्सिकम, ये कैप्सिकम भी मैंने कट करके रखी है, ये इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम और इसमें हम स्पाइसीज में ऐड करेंगे वाइट पेपर ठीक है, साथ हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और साथ हम ऐड करेंगे सॉल्ट। अब हम इसमें और ऐड करेंगे एग, ये देखिए अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठीक है, ताकि इसमें जो है ना ये जो मसाला वगैरह ऐड किया है वो अच्छी तरह जो है ना मिक्स हो जाए। फिर हम इसको करेंगे फ्राई, ये देखिए जी एग अच्छी तरह से इसको सारे मिक्सर को लग गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे, कुछ ही देर में हम लोग बाकी काम करते हैं। मोहम्मद अरहब शोर नहीं करें बेटे, चलें जी इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें थोड़ी देर मसाला जो है अच्छे से मर्ज हो जाए जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं। अब हम बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। चलें जी अब हम लोग करते हैं पकौड़ों का मिक्सचर रेडी, जिसके लिए मैंने एक आलू लिया, उसको बारीक बारीक किया, देखिए उसको कट कर लिया, साथ ही उसी तरह मैंने जो है ना प्याज, हाफ प्याज मैंने कट किया, ठीक है। ये मेरे मैंने फ्रीज की हुई पालक थी तो इसमें से हम लोग ये थोड़ी सी पालक यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देंगे ठीक है, और फिर हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। बेसन मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूंगी जब हम लोग जो है ना इसको फ्राई करने लगेंगे, ठीक है। उसके सबसे पहले हम लोग जो है ना इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट, साथ ऐड करेंगे रेड पेपर, अपनी मर्ज़ी से जितना आप स्पाइस उसको करना चाहें, ठीक है। साथ में इसमें ऐड करूंगी घर का बना हुआ गरम मसाला और साथ में ऐड करूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर और हरा मिर्च
और थोड़ा सा चाट मसाला, इसमें मैं पानी नहीं ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि आलू अपना पानी खुद ही छोड़ देते हैं। अब हम इसको करेंगे मिक्स, और फ्राई करने से पहले जो है मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन, और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। चलें जी, हमारा ये भी मिक्सचर रेडी हो गया। ये देखिए, इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ, ठीक है। अब हम जो हंडिया बना रही हूँ, मैं आज की तरफ जाती हूँ। चलें जी, अब हम बनाते हैं दही फुल्की। दही फुल्की में मैंने जो फुल्कियाँ हैं उसको मैंने थोड़ी देर पानी में भिगोया था, और अब उनको जो है ना वो फूल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब मैं इनको जो है ना पानी जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल लिया। उसमें हम थोड़ा सा एक स्मॉल टमाटर और एक हाफ जो है ना हम लोग प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने दही में जो है चटनी डाल के तो पहले ही उसको रख लिया था, अब हम इसको ये ऐड करेंगे चटनी वाला दही। चटनी में ही मैंने जो सॉल्ट था वो ऐड कर दिया, बाकी हर कोई अपने स्पाइसेस के हिसाब से खाता है, कोई ज़्यादा तीखी खाता है, कोई नॉर्मल खाता है। तो मैंने फ़िलहाल इसमें जो है ना योगर्ट में सॉल्ट ऐड किया था और चटनी ऐड की थी। अब ये हो गया है मिक्स। अब हम इसके ऊपर हल्का सा अगर हुआ तो चाट मसाला मैं साथ ऐड करूँगी, और ये होगी जी हमारी दही फुल्की रेडी, ठीक है। अब हम लोग जो हैं आहिस्ता फ्राई की तरफ आते हैं। फ्राई की तरफ सबसे पहले मैं बनाती हूँ जो चिकन पॉपकॉर्न, जो हम लोगों ने उसका मिक्सर रेडी किया था, अब ऑलमोस्ट जो है वो मैरिनेट हो गया है, ठीक है। अब हम उसको रेडी करते हैं, उसको फ्राई करते हैं। चलें जी, अब हम लोग पकौड़े फ्राई करने लगे हैं। ये देखें, आलूओं ने खुद ही पानी छोड़ दिया था, इसलिए हम लोगों को जो है ना पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमने इसमें 1 से 2 स्पून अपने मिक्सर के हिसाब से हम लोग जो है ना इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। मैं अभी देखती हूँ, अगर मुझे और लगा कम तो मैं इसमें और ऐड करूँगी बेसन, और फिर हम इसको करेंगे मिक्स, और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखें जी, हमारा बिना पानी यूज़ किए हम लोगों का मिक्सचर हो गया है रेडी। अब हम इसको करते हैं फ्राई। हाँ जी, ये देखिए हमारे पकौड़े हो रहे हैं फ्राई, ठीक है। अब जैसे ये फ्राई होते हैं फिर आपको इस डिश आउट करके तो दिखाती हूँ, फिर सब बाकी अभी हमारा रह जाएगा। क्या था हमारा, चिकन पॉपकॉर्न जो है वो रह जाएंगे, फिर हमारी जो है ना अफ्तारी माशाल्लाह से पूरी हो जाएगी। हाँ जी, हमारे पकौड़े तो हो गए हैं रेडी, अब हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न। उसका मिक्सचर तो रेडी था, ठीक है। अब हमने इसमें करने हैं ऐड क्या कहते हैं जी, इसको फ्राई करने के लिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च, यानी कि कॉर्न फ्लोर, जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। इसको करेंगे मिक्स। अपनी मर्जी है, मैं इसमें कैप्सिकम, मेरे घर वाले ज़्यादा शौक से कैप्सिकम खाते हैं, तकरीबन हर चीज़ में कैप्सिकम चाहिए होती है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे ही चिकन के भी सिंपल इसी तरह इसको मैरिनेट करके हम लोग जो है ना इसके पॉपकॉर्न बना सकते हैं। चलें जी, ये हो गया है मेरा मिक्सचर रेडी, ठीक है। अब हम इसके बनाएंगे, इसको करेंगे फ्राई। इसके लिए इसी तरह हम लोग ऐसे स्मॉल स्पून में हम लोग लेंगे, ठीक है। ये देखिए भाई, हमारे ये चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं।
अब हम नॉनवेज को सारे ट्राई करके फिर आपको इसकी फाइनल दिखाते हैं। चलें जी, हमारी इफ्तारी हो गया रेडी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।